गर फिरदौस बर रूए जमीन अस्त, हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्तो। यानी कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। टीम नो द नेशन है आज श्रीनगर में। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी पूरे देश में बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव है और जम्मू कश्मीर के लिए ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 370 के रेवोकेशन के बाद जम्मू कश्मीर की जनता पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाली है। श्रीनगर में फेज 4 में इलेक्शन है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। देखते हैं कि श्रीनगर के लोग किसको चुनते हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। मुबशर अहमद, मुबशर अहमद जी, आप बताइए, पिछले साल कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म था, क्या वजह रही? वजह तो यही रही कि कश्मीर तो खूबसूरत है, कश्मीर तो कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी है, ये वजह रही। और इस यहाँ पे खास वजह ये रही कि यहाँ पे अमन रहा तो बहुत अच्छी बात थी और इसमें सरकार का भी अच्छा योगदान है, उसके लिए हम थैंक्स कहते हैं। आर्टिकल 370 जब रिवोक हुआ, हटने के बाद क्या क्या मेन बदलाव आए? यहाँ पे हालात होते थे, हालात में चेंजिंग आ गई और 370 हटने के बाद जो यहाँ का यूथ जो था वो अपने अपने काम में लग गया, तो वो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे अमन रहा, जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, कश्मीर के लोगों को कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है, रोड डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। क्या क्या आपने बड़ा बदलाव देखा? जो हालात का बदलाव आया है पहले ही से, यहाँ पे पहले बहुत हालत खराब होती थी, यहाँ पे पहले पत्थरबाजी होती थी, खत्म हो गई। हाँ, पत्थरबाजी सब खत्म हो गई है। क्या वजह रही? बस ये मोदी जी का कर्म है, मोदी जी ने सब करवाया बंद, पत्थरबाजी। यहाँ पे लोग अब बिजनेस के लिए लगे हैं, यहाँ पे हर कोई बिजनेस पे लगा है। अच्छा, अब ये बताइए कश्मीर में हालात कितने सुधरे हैं पहले के हिसाब से? पहले काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। क्या अच्छा हुआ है? कोई रहने वहने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम हम कर सकते हैं, सही बंदे आने जाने को, रास्ते में काफ़ी सुधार हो चुका है पहले से। अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर में? कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ये तो मैं गिनना नहीं सकता फिलहाल तो अभी तक। सब में आप पीएम मोदी की लीडरशिप को, उनके विजन को, उन्होंने विकसित भारत की बात बोली है कि हर किसी का अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश में, वो विजन आपको कैसा लगा? वो तो बहुत बढ़िया है, जो कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए भी अच्छा है, जो नहीं करते उसको करना चाहिए। आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे देश में? मैं तो कंट्रीब्यूट ऐसे ही करूंगा कि थैंक्स कहेंगे हम यही कहते हैं कि जो अभी यहाँ की कंडीशन है, जो हालात है वो बेस्ट है। अभी पिछले साल कश्मीर में बहुत टूरिज्म बढ़ा है, बहुत टूरिस्ट आए हैं, तो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री की बात करें कितना फायदा हो रहा है? अच्छा फायदा। अगर मैं पहले की बात करूँ, जब यहाँ पे अमन और शांति नहीं थी, कभी पत्थरबाजी हुआ करती थी, ये बदलाव कैसे आया? हाँ, ये जब बढ़ते जाते पार्टी आई फिर हुआ, नहीं पहले नहीं थी। आपका नाम? फातिमा इकबाल। पिछले साल बहुत सारे टूरिस्ट कश्मीर में आए, G20 कश्मीर में हुआ, मेन मुद्दा क्या है, क्यों टूरिज्म ज्यादा बढ़ गया कश्मीर? शायद स्मार्ट सिटी की वजह से, कि मोदी ने जो वो किया इसीलिए उनको शायद सेफ फील हो रहा हो इसीलिए। मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, प्रपोज है कि यहाँ पे मेट्रो ट्रेन आएगी, आप लोगों को कितना फायदा होगा अगर मेट्रो आ जाएगी? जो रूरल एरियाज के उनके लिए बहुत हो सकता है। आप बताइए कश्मीर में क्या खासा बदलाव देखा पिछले 10 सालों में आप? कश्मीर बहुत सारा बदलाव अच्छा आया है। कैसे, क्या क्या बदलाव आया? देखिए, जो हमारा पहले यहाँ पे स्मार्ट सिटी तो नहीं था, यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बदलाव आ रहा है जब से मोदी गवर्नमेंट आई, अच्छा हुआ है। क्या सबसे अच्छा काम लगा आपको मोदी गवर्नमेंट का, और 370 के हटने के बाद आपको लगता है ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है? जी मैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे 370 के बाद, अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, पहले बुरा था, अच्छा है। कुछ बोलना चाहेंगे अगर मोदी को, कैसे लगते हैं मोदी आपको? नहीं अच्छे, मैं हम लाइक करते हैं उनको, अच्छा उन्होंने अच्छा काम किया। पहली बार वोट करेंगे क्या? हाँ जी मैम, पहली बार। यस मैम, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच के वोट करेगा, क्या दिमाग में रहेगा आपका? सबसे बड़ा काम होता है मतदान, देश की सरकार चुनने का। देखिए मैम, हम उनको वोट देना चाहेंगे जो हमारे कश्मीर के लिए अच्छा करे,
जो हमारे लिए क्या बोलते हैं मैम, हमारे कश्मीर के लिए अच्छा करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा करे। पिछली बार आपको पता है G20 हुआ था, काफी टूरिस्ट आए थे, बाहर से भी काफी टूरिस्ट आए थे, तो कश्मीर में काफी अच्छा टूरिज्म बढ़ा था। कितना जरूरी है टूरिज्म? बहुत अच्छा है मैम, यहाँ पे टूरिज्म के लिए हमारा कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगह जो देखने के लिए। अभी तो पहले हमारा साइड जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा था, वहाँ पे बंगस वैली एक जगह का नाम है, वहाँ पे भी मोदी जी ने क्या बोलते हैं टूरिज्म का सोचा मैम, वहाँ के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, वहाँ भी टूरिज्म के लिए अच्छा कर रहे हैं मैम। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी कितना इम्प्लीमेंट होती है जब? बहुत ज्यादा मैम, जैसे वो बोलते वो करते मैम। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जी, आप ये बताइए कश्मीर में जो पिछले साल बहुत टूरिज्म बढ़ा है, आप लोगों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा हुआ है इससे। गवर्नमेंट ने यहाँ अच्छा किया है, यहाँ टूरिस्ट भेजा है। अभी आपको लगा है कि पहले के कंपैरिजन में अभी अमन और शांति बढ़ी है? अमन और शांति बढ़ी है, उसमें कहने की बात ही नहीं है। क्या लगता है, किससे उम्मीद है? मोदी साहब रहते हैं तो ठीक ही है। काम किया है मोदी साहब ने? लो लग तो रहा है तो दिख तो रहा है, रोड पर दिख रहा है, रोड पर दिख रहा है, दिख रहा है। मोदी साहब बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मेरा परिवार है, पूरे भारत को अपना परिवार बोलते हैं, आप मानते हैं उनको अपना परिवार? नहीं, वो तो है ही, तो बात तो हम तो उन्हीं के फैमिली के हैं सीधा, तो उदती वो तो हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा गवर्नमेंट को चाहे कि जो हमारे इशू है यहाँ पे, मतलब हेल्थ का है, थोड़ा एजुकेशन का है, क्या उसमें थोड़ा थोड़ा उस पर नज़रसानी करें, तो बाकी तो ओवरऑल ठीक दिख रहा है। जो दुकानदार हैं उनको काम बढ़ गया, होटल को काम बढ़ गया, टूरिस्ट जितना आएगा उतना यहाँ बढ़े सब शॉपिंग करें, उधर से आएगा सोमो वाले का, शिकार वाले का, हाउस बोट वाले का, होटल वाले, सबको बिजनेस बढ़ गया है। मोदी बोलते हैं कश्मीर के लोग मेरा परिवार है, आप मानते हो अपना परिवार? जिस दिन आया कितना लोग था उधर, हाँ देखा, सारा स्टूडम पैदल गया, सारा गया। कश्मीर के लोग प्यार करते हैं मोदी? हाँ, और क्यों, जब कोई काम करता उसको करता है। काम किया है मतलब आप बोल रहे हैं? हाँ, काम किया उसने। आपने क्या खासा बदलाव देखा पिछले 5 साल में? ये छोटी बच्ची बच्चों के लिए पढ़ाई के हिसाब से यही बदलाव देख रहा हूँ कि जब कोरोना वायरस के बाद बहुत सारी चेंज आई और मतलब बहुत ही ज्यादा पीसफुल रहा कश्मीर उसके बाद, कोविड के बाद। तो अभी जैसे आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपने देखा है यहाँ पे? डेवलपमेंट चल रही है? हाँ, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। अभी मेट्रो भी प्रपोज किया गया है कि मेट्रो प्रोजेक्ट कश्मीर में आने का, तो अगर यहाँ पे श्रीनगर में मेट्रो चलेगा तो आप लोगों के लिए कितना फ़ायदा होने वाला है? हम बहुत बहुत ज़्यादा। मोहित जी, पहली बार कश्मीर आ रहे हैं? पहली बार आ रहा हूँ मैं जी। इससे पहले कभी क्यों नहीं आना हुआ? इससे पहले तो आपको पता ही था कि यहाँ पे क्या माहौल था, और आज आप देख ही रही हैं कि क्या माहौल है। तो इतना भरोसा कैसे आया कि दोबारा कश्मीर आया जाए? ये मोदी जी की बदौलत है, जो कुछ है उनने 370 हटवाई, इसी वजह से हम लोग आ सकते हैं। और आज ये आप देख ही रहे हैं कि लाल चौक के पास, पहले तो यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, और आज हम लोग खुले दिल से घूम रहे हैं। ये बताइए, कश्मीर में अमन और शांति अब बरकरार है, टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है इससे। देखिए, अमन और शांति जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा, सारा कुछ उतना अच्छा होगा। कि कश्मीर में क्या खासा बदलाव देखा आपने पिछले 5 सालों में? हाँ, बदलाव तो बहुत आया है। पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का बताइए, रोड और आवाजाही का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे रोड बने हैं अभी, नए नए रोड बने हैं अभी, काम हो रहा है अच्छे से। हाँ, और अगर मैं अमन और शांति की बात करूँ कश्मीर में, तो अभी अमन चल रहा है। हाँ, वो तो है अभी। इधर भी आपने स्कैनर रखा हुआ है, तो अब आप कैश से ज्यादा पेमेंट करते हैं कि UPI? कितना फायदा हुआ है डिजिटल इंडिया से? बहुत फायदा हुआ मैम। जैसे क्या? हमें UPI से पेमेंट मिलती है, हमें बैंक से मिल जाती है, ऐसे मतलब बाहर से टूरिस्ट आते हैं, इस वजह से हमें फायदा होता है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है कश्मीर में? पहले तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। आज तो बहुत ही 5G चल रहा है मैम, तो आज बहुत ही अच्छा चल रहा है। 5G चल रहा है? जी मैम। सबका 5G चल रहा है? जी मैम। अच्छा, ऐसे तो कोई होगा नहीं जिसका 5G नहीं चल रहा है, सबका 5G चल रहा है मैम। चल रहा है वैसे, बढ़िया है जी मैम। सरकार के काम से खुश है जी मैम। पीएम मोदी के बारे में क्या विचार है? वो तो अच्छा ही कर रहे हैं सबके लिए, ऐसा कोई नहीं है जो हर चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं।